आज मैं आप लोगों को एक रिव्यू दे रही हूँ जो कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस करता है। ठीक है, ये तो आप लोगों को सबको मालूम है कि आई एम अ सेलर और मैंने इस ब्रांड की जो प्रोडक्ट हैं चिल्टन प्योर की, ये बहुत ज़्यादा सेल की हैं, लेकिन मैंने पर्सनली कभी इसको यूज़ नहीं किया था। कस्टमर ऑर्डर करते थे, मैं मंगवा कर उन्हें दे दिया करती होती थी। ठीक है, लेकिन मेरी एक कस्टमर ने मुझे बताया, मेरा एक प्रॉब्लम था, वो मैंने डिस्कस किया था अपने सेलर्स ग्रुप में, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको चिल्टन प्योर का ये वाला जो ऑयल है ये यूज़ करना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रॉब्लम क्या था। प्रॉब्लम ये था कि मेरी बेटी है, वो उसके जो पाँव है ना, नीचे से एड़ियाँ और नीचे से जो तलवों वाली साइड होती है ना उसकी, वो बहुत ज़्यादा क्रैक हो गई थी। बहुत ज़्यादा उसको पेन हो रहा था उसमें, और बहुत ज़्यादा गहरे गहरे टाइप के जो है वो कट लग गए थे उसको। ठीक है, बच्चे बाहर खेलते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, आप लोगों को पता है, फिर एहतियात नहीं करते तो फिर थोड़ा सा भी अगर निगलीगेंस हो जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो वो बच्ची के पाँव जो थे वो इस तरीके से हो गए थे। तो अभी उन्होंने मुझे बताया, मेरे सेलर ने, उन्होंने मुझे कहा कि आपको चिल्टन प्योर का ये वाला पेपरमिंट ऑयल जो है वो यूज़ करना चाहिए, ये बहुत रिलीफ देता है और हर तरह से जो हीलिंग है उसे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, जो भी प्रॉब्लम होता है वो सॉर्ट आउट हो जाता है। अच्छा, ये जो है ना, और भी बहुत सारे पर्पज़ में ये यूज़ हो सकता है। जिन लेडीज़ को सेंसिटिव स्किन का प्रॉब्लम हो, एचिंग हो जाती हो धूप में जाने से, गर्मी में काम करने से, चूल्हे के करीब जाने से या किसी भी चीज़ से, तो ये वाला ऑयल जो है वो एचिंग में भी बहुत अच्छा साबित होता है, क्योंकि मेरी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। इसीलिए मैंने इसको फिर खुद भी अप्लाई किया। पहले मैंने अपनी बेटी के पाँव पर इनको अप्लाई किया और उसके बाद फिर मैंने इसको पर्सनली खुद भी अप्लाई किया। बहुत अच्छा रिजल्ट इसके लिए मुझे मिला है। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो प्रॉपर्टीज़ जो इसकी हैं, उसमें सब इंग्रेडिएंट्स जो जितने भी यूज़ होते हैं ना चिल्टन प्योर के प्रोडक्ट के अंदर, सब ऑर्गेनिक होते हैं, फुली ऑर्गेनिक होती हैं इनके सारे प्रोडक्ट्स। और अल्लाह का शुक्र है कि इस्तेमाल करने के बाद आपको जब रिज़ल्ट सामने आएगा तो आप खुद कहेंगे कि वाकई में ये बहुत अच्छा है। एक और बात भी है, मैंने इसको बेसिकली अपनी बेटी के लिए ही बाय किया था, तो उसका एक प्रॉब्लम ये था कि उसके जो बाल हैं ना सर के, वो इतने ज़्यादा घने नहीं थे। ठीक है, और उस बहुत फ्रीजी किस्म के बाल हो जाते थे थोड़ा सा भी बाहर खेलने के बाद, और उसके लिए ही मैंने इसको बाय किया था। तो ये आप जो है वो हेयर ग्रोथ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और अपने जो है वो हीलिंग प्रॉब्लम के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है ना, ये एक नेचुरल एंटीसेप्टिक है और ये बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी बेटी के पाँव का इशू क्या था। तनिषा इधर आइए, ये देखिए, अगर थोड़ा सा कैमरे में कवर हो सके। ठीक है, ये देखें, ये है इसका पाँव, ये इसका पाँव है। ठीक है, ये देखें, इसके ये इस तरीके से क्रैक हो गया था, इसी तरह इसकी एड़ियों पर भी ये इस तरीके से जो है वो क्रैक हो गया था। ठीक है, अब ये काफ़ी भर चुका हुआ है, पहले ये जो है वो बहुत गहरे हो चुके थे। ठीक है, अभी ये दुखते भी थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, लेकिन अभी इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है, तो इसके लिए ये वाला ऑयल मैंने बाय किया था और ये मैंने अपनी बेटी के लिए ही इसको बाय किया। ये इनका पम्फलेट है, ये भी इसके साथ आया था, तो ये अगर किसी को देखना हो, बाकी जो है वो मैं इनकी वेबसाइट का लिंक आपको नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इनके और भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, जो किसी ने भी बाय करने हो तो वो बाय कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा, इसको यूज़ करने के बाद जो भी आपका रिव्यू होता है तो एक दफ़ा मेरे कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा और आप लोग इसके बारे में क्या राय रखते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि ये वाला जो चिल्टन प्योर का प्रोडक्ट है, ये बॉडी मसाज के लिए भी यूज़ हो सकता है, और मैंने इसको अप्लाई किया अपने पाँव पर इसका इफ़ेक्ट देखने के लिए, क्योंकि मैं एक शुगर पेशेंट हूँ और आपको पता है कहीं पर भी पेन वगैरह हो जाती है, मुझे रिलैक्सेशन चाहिए होती है, शुगर के पेशेंट्स को स्पेशली रिलैक्सेशन चाहिए होती है। तो मैंने इसको अप्लाई किया अपने पाँव पर ताकि मैं देख सकूँ कि मुझे कैसी फीलिंग आती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसको यूज़ करने के बहुत ज़्यादा आ गया है बाहर, तो इसको मैं थोड़ा ही यूज़ करूँगी क्योंकि मैंने सिर्फ इसको पाँव पर यूज़ करना है। ठीक है, तो ये देखें, ये मेरा पाँव है, मुझे बहुत पेन हो रहा था,
तो मैंने इसको जो है वो बहुत पोलाइटली, बहुत अच्छे सॉफ्ट हैंड्स के साथ अपने पाँव पर यूज़ किया, ठीक है, इसका इफ़ेक्ट देखने के लिए कि मुझे कैसा इफ़ेक्ट आता है इसका, मुझे रिलैक्सेशन फील होती है नहीं होती है। जैसा कि इसकी बॉटल पर मेंशन था, तो मैंने इसको यूज़ किया अपने पाँव पर। अच्छा, एक चीज़ जो इसको लगाने के बाद मुझे फील हुई वो ये थी कि इसमें, जैसा कि मिंट मेंशन है कि इसमें मिंट डला हुआ है, तो इसको लगाने के बाद आपको स्किन पर जो है वो हल्की हल्की ठंडक भी फील होगी, ठीक है। हल्की हल्की हाथों से मैं मसाज कर रही हूँ अपने पाँव पर, क्योंकि मेरे पाँव में बहुत पेन हो रहा था और मुझे दर्द था बहुत ज़्यादा। तो जब मैंने इसकी रिलैक्सेशन वाला कमेंट पढ़ा कि इसको लगाने से जो है वो रिलैक्सेशन फील होती है, तो मैं अपने ही हैंड से कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई हेल्पर मौजूद हो तो आप उसकी मदद से भी जो है वो ये मसाज करवा सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है, मुझे बहुत फील अच्छा हो रहा है और एक ठंडक का तासुर जो है वो आ रहा है। जैसा कि इन लोगों ने कहा था कि एचिंग के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो एचिंग के लिए मुझे अब समझ में आया है कि एचिंग के लिए कैसे ये अच्छा साबित होगा कि आप जो है वो जब इसको लगाएंगे तो आपको सॉफ्टनेस फील हो रही है, ठंडक फील हो रही है। मुझे तो भाई पाँव में बहुत तकलीफ हो रही थी, तो मैंने इसलिए इसको पाँव पर जो है अप्लाई किया है। आप देख सकते हैं कि मेरे पाँव में बहुत पेन हो रहा है और आपको यहाँ पर स्वेलिंग भी थोड़ी सी नज़र आ रही होगी, तो मैंने तो अपनी रिलैक्सेशन के लिए जो है वो इसको इस्तेमाल किया है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई रही हूँ। आप लोग भी, जो लोग भी इसको इस्तेमाल करना चाहते हों और आप लोगों को मेरे जैसे ही प्रॉब्लम्स का सामना हो, तो आप इसको बाय कर सकते हैं।